हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किए थे, उसी चैनल के हम लोग कंप्लीट सेटअप को हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। या एक नए यूट्यूब चैनल को कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि होता है, चैनल का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, उससे लेकर के हम लोग चैनल का जो ब्रांडिंग होता है, यानी कि जो लोगो होता है या बैनर होता है या वाटरमार्क होता है, कैसे अपलोड करेंगे, कहाँ से बनाएंगे, ये सभी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथ ही हम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो कि सारे यूट्यूबर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अपने चैनल के डैशबोर्ड पर है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चैनल का यहाँ पर कोई भी लोगो वो नहीं है, यहाँ पर कोई भी बैनर भी नहीं है। सो हम लोग सबसे पहले बैनर को लगाएंगे, यूट्यूब के जो लोगो है उसको हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन होता है चैनल का, इस टैब में जाएंगे। ये हमारा चैनल का लेआउट है एक्चुअली। जो कोई भी अगर व्यूअर आपके चैनल पर विजिट करता है तो आपका चैनल का व्यू कैसा होगा यहाँ पर आपको उसको दिखाना है। तो वीडियो का स्पॉटलाइट में यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर चैनल का ट्रेलर है, उसके बाद फीचर वीडियो है, उसके बाद यहाँ पर फीचर एक सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्ट वीडियो, उसके बाद वीडियोस, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पॉपुलर्स वीडियो सबसे पहले रखना होता है, तो यहाँ पर हम लोग पॉपुलर्स वीडियो को लेते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो, उसके बाद वीडियोज, और अगर यहाँ पर अगर चाहें तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल प्लेलिस्ट है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिए। इसके बाद ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लोग ब्रांडिंग में जाएंगे। ब्रांडिंग में यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपके चैनल का जो भी लोगो है उसको यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि चैनल के लोगो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग आते हैं, एक नया टैब लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कैनवा। कैनवा सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा www.canva.com का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्री लोगो मेकर है, उसके बाद लोगो मेकर, फ्री टेम्पलेट्स, व्हाट्स विल यू डिजाइन टुडे। यहाँ पर आप जो भी चाहें यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग इन करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रिएटर डिजाइन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको YouTube बैनर, YouTube चैनल लोगो बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, उसके बाद Instagram का पोस्ट भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चैनल का लोगो बना लेंगे। तो हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पर पहले से एक लोगो बना करके रखा हुआ हूँ, तो मैंने इसी वेबसाइट से जो है अपने चैनल के लोगो, उसके बाद जो है बैनर को और चैनल के थंबनेल को भी मैं इसी वेबसाइट से बनाता हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं चैनल पर और यहाँ से हम लोग अपलोड पर क्लिक करके, तो यहाँ पर जो है हमारा चैनल का लोगो है और यहाँ पर मेरा बैनर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लोगो को लगाते हैं, ओपन करते हैं सिलेक्ट करने के बाद, और इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा चैनल का जो लोगो है यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर बैनर को लगाने के बाद भी आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बैनर को भी लगा लेते हैं। तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बैनर को भी सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि बैनर को इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है डन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा बैनर भी लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर वीडियो का वाटरमार्क है, तो अपलोड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसका साइज भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है क्या क्या साइज में आपको इसको लगाना है। यहाँ पर इसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने वाटरमार्क इसको ले लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा वाटरमार्क भी लग चुका है। यहाँ पर आप अपने चैनल का लोगो को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले टाइमिंग है, तो एंड ऑफ वीडियो को लगा सकते हैं या फिर कस्टमाइज स्टार्ट टाइमिंग को लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको इंटायर वीडियो का ऑप्शन मिला है इस पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इंटायर वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर इसको शो कराएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंटायर वीडियो को सिलेक्ट किए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी का यहाँ पर साइज भी लिखा हुआ है, 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका साइज जो है 98x98 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद PNG फाइल, GIF फाइल फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हैं।
सेम उसी तरह से बैनर का भी यहाँ पर दिया हुआ है साइज और उसका जो है पिक्सल साइज, उसके बाद जो है इसका फाइल साइज यहाँ पर दिया हुआ है। और वीडियो वाटरमार्क का भी यहाँ पर पिक्सल साइज होता है 150x150 और उसका फाइल साइज होता है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसको लगा लिया, इसके बाद हम लोग पब्लिश पर क्लिक करके इसको पब्लिश कर लेते हैं। अगर हम लोग व्यू देखना चाहते हैं कि हमारे चैनल का व्यू कैसा होगा, तो व्यू चैनल पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्यू चैनल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे चैनल का जो व्यू है, यहाँ पर बैनर इस तरह से लगा हुआ है और उसका लोगो यहाँ पर लग चुका है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग बेसिक इन्फो में जाएंगे इसके बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चैनल का सबसे पहले नाम है, यहाँ पर टेक्निकल जय, उसके बाद हैंडल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल जय नाम के बाद यहाँ पर 753 है, तो इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्निकल जय ऑफिशियल। ऑफिशियल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टिक आउट हो चुका है, यानी कि ये हैंडल जो है अवेलेबल है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है चैनल का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स जो डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्क्रिप्शन लिखे जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो मैंने जो है यहाँ पर एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ चैनल में और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इसके बाद इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद अगर देखना चाहते हैं व्यू, तो इसको व्यू चैनल पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे अबाउट सेक्शन में, तो अबाउट सेक्शन में देखिए जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाले थे यहाँ पर शो हो चुका है। वापस आते हैं, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पर चैनल का URL मिलेगा, आप इसको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फैमिली मेंबर के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में है लिंक्स। लिंक्स का ऑप्शन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को शेयर कर सकते हैं ऐड लिंक पर क्लिक करके। सब यहाँ लिंक यहाँ पर देना होगा और उसके बाद जो है लिंक का टाइटल जो है यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम का यहाँ पर अगर आप लिंक देना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो आपका हैंडल का URL है यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद जस्ट नीचे में यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी आप ईमेल एड्रेस शेयर करना चाहें। इसके बाद वापस आते हैं लेआउट में, हम लोग ने यहाँ पर देख लिए, उसके बाद ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद आएंगे मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में यहाँ पर 2-step वेरिफिकेशन आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको टर्न ऑन कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे कि 2-step वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर हमारा एक्टिव हो चुका है। इसके बाद वापस आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जो है हम लोगों ने ये चैनल क्रिएट करते समय जो है बहुत से चैनल का सेटिंग्स जो है हम लोगों ने किए थे, उसको मैं आपको शो करा देता हूँ वापस से। यहाँ पर हम लोगों ने चैनल का जो कंट्री है यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया सेलेक्ट किए थे। उसके बाद कीवर्ड्स डाले थे अपने चैनल से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर एडवांस फीचर में हम लोगों ने, और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। यहाँ पर अगर आप चैनल पर वीडियो जो है बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फीचर्स में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फीचर जो है इनेबल्ड है पहले से। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट फीचर जो है यहाँ पर इसको इनेबल करना है। यहाँ पर नीचे में आएंगे, वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और ऊपर में जो है सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड, इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर आप कॉल को ले सकते हैं। उसके बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फ़ोन नंबर वेरीफाइड। तो वापस आते हैं हम लोग उसी टाइप पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इंटरमीडिएट फीचर जो है यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फीचर्स को इनेबल करने से क्या होता है कि आप अपने वीडियो का ड्यूरेशन जो है आप उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 15 मिनट से ज़्यादा का ड्यूरेशन वाले वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप थंबनेल बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं,
और भी बहुत सारे यहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने चैनल का आईडी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे में मिलेगा एडवांस फीचर का ऑप्शन, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीमिंग डेली, उसके बाद अपलोड मोर वीडियोज डेली, उसके बाद क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, एम्बेड लाइव स्ट्रीम, उसके बाद एक्सटर्नल्स लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, अपील कंटेंट आईडी क्लेम्स, उसके बाद एलिजिबल टू अप्लाई मोनेटाइजेशन। इसको इनेबल करने के बाद आपको ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बिल्ड चैनल हिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप इन दोनों को भी चूज कर सकते हैं। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज योर वैलिड आईडी, यहाँ पर आप वैलिड आईडी के साथ भी आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के थ्रू भी यहाँ पर वेरीफाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बिल्ड चैनल हिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, सेव पर क्लिक करके इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा यहाँ पर चैनल का सेटअप करना था हम लोगों ने कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी का। तो अगर आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है वीडियो सारे कॉपीराइट्स फ्री होते हैं जो कि यूट्यूब जो है प्रोवाइड कराता है। इसके बाद जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा एप्लीकेशन है जो कि सारे यूट्यूबर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन का नाम है ट्यूबबडी, जो कि सारे यूट्यूबर्स जो है उसको यूज करते हैं। तो उसको हम लोग अपने चैनल पर कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मेनू में, यहाँ पर आपको मिलेगा मोर टूल्स का ऑप्शन, इसमें जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर डेवलपर्स के लिए, इसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइंड एड्स ऑन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ट्यूबबडी, यहाँ पर ट्यूबबडी है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा ऐड टू फायरफॉक्स, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ समय वेट करने के बाद ऐड का, तो ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन, इसको चेक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। इसके बाद वापस आते हैं चैनल पर और यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्यूबबडी साइन इन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अपने ट्यूबबडी में जो है अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेंगे। हम लोग उसी अकाउंट से साइन करेंगे जिस अकाउंट से जो है हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ से हम लोग इसको चेक कर लेंगे और साइन इन। उसके बाद यहाँ से जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से हम लोग चैनल क्रिएट किए हैं, उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। कुछ समय वेट करेंगे, यहाँ पर जो है लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पर जो है आपको अलाउ करना होता है आपके चैनल को जो है मैनेज करने के लिए। इसके बाद अलाउ कर लेंगे, वापस जो है आपको अपने डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वेलकम का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग ट्यूबबडी, ऐसा करके। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर गाइडेंस कर रहा है, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स एक्सप्लोरर, सीईओ स्टूडियो, वीडियो टॉपिक्स प्लानर, टैग्स लिस्ट, उसके बाद बेस्ट टाइम टू पब्लिश, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, डन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूबबडी जो है पूरा आपको गाइड करेगा, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको जो है ये गाइड करेगा। तो आप इसको अपने चैनल पर ऐड कर सकते हैं ट्यूबबडी को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो चैनल क्रिएट किए थे, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से।